ये हमारा डैम जाने का रास्ता है, रोड थोड़ी कच्ची है तो इसलिए आराम से चलते हैं। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं डैम। ये पर्च का डैम है, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है डैम। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है देखिए, और आपको मंदिर की आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। हाँ जी, जहाँ से गाने बज रहे हैं। तो यहाँ ऊपर मंदिर भी है, वहाँ भी जाएंगे हम। और जो मंदिर है ऊपर वो है माता वैष्णो देवी दरबार मंदिर, वहाँ भी जाके हम दर्शन करेंगे। चलते हैं वीडियो में आगे। यहाँ की खूबसूरत डैम है। हाँ जी, पर्च जो पड़ता है मोहाली में पंजाब, आपको भी आना तो आप भी जरूर आइएगा, बहुत ही शांति इलाका है। अच्छा, माँ वैष्णो देवी मंदिर दरबार, यहाँ भी जाएंगे हम आगे। चलते हैं आगे, रास्ता तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, हमें यहीं पे अपनी एक्टिवा खड़ी करनी पड़ेगी। और एक्टिवा मैंने खड़ी कर दी है, चलते हैं आगे। यहाँ से हम जाएंगे नीचे, थोड़ा आगे आकर आपको डैम दिखाई देगा, और डैम देख ही पा रहे होंगे आप। और चलते हैं ऊपर, मंदिर ऊपर की तरफ है, पहाड़ के ऊपर। एक बार और देखते हैं डैम। वो देखिए डैम दिख रहा होगा पर्च का, वहाँ डैम है और सारा पानी का इलाका है। वहाँ डैम है, देखिए पानी पानी। ये मंदिर हमारा है, यहाँ से हम प्रसाद लेंगे। चलते हैं मंदिर के अंदर। जोर से बोलो जय माता दी। ये वैष्णो देवी माता मंदिर है, देखिए माता वैष्णो देवी दरबार, बहुत सुंदर मंदिर है, पहाड़ के एकदम ऊपर है। और यहाँ पे लंगर सेवा भी है। आज मैं आया, पंडित जी बता रहे थे कि 1965 से यह मंदिर यहाँ पे है, और उस टाइम कोई सड़क भी नहीं थी, तो लोग आते थे, पता नहीं कैसे आते थे, चल के आते होंगे दर्शन करते माता के। अब तो एक्टिवा बाइक जिस मर्जी से आप आ सकते हैं। उस तरफ डैम दिखाई दे रहा होगा आपको, और इस तरफ हमारा वैष्णो देवी माता मंदिर भी है। देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया है, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच साइड में डैम बनाया हुआ है। दोस्तों ये यात्रा यहीं ख़त्म होती है हमारी, मंदिर बहुत सुंदर था, और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं मंदिर में। आप भी जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। माता रानी गाने सुन ही रहे होंगे आप, इसलिए कहते हैं जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मिलते हैं आपसे अगले नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।